सो देखो यार, हमारा आज पोपट होते होते बचा। मतलब भाई साहब इतना भयानक पोपट हो जाता कि क्या ही बताए। बस इतने के लिए रह गए, इतने के लिए। और देखो यार, पेट्रोल के प्राइसिंग में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन अभी भी स्टिल राजस्थान में सबसे हाईएस्ट है पेट्रोल के प्राइस। हम सुबह से चला रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कि बारिश गिरी थी कल रात को, तो भाई साहब क्या ठंड लग रही थी। तुम्हारे भाई क्या बोल रहे बताए कि पहले पंखा बंद कर। और अगर देखो आपने हमारी पूरी सीरीज देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि यहीं पे इसी ढाबे पे हम लोगों ने जाते टाइम अपने दोस्त के साथ चाय पी थी। सो है वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से और आखिरी बार झांसी से। सो देख लो गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं झांसी से और जा रहे हैं हमारे घर की तरफ। एक्चुअली आज का हमारा स्टे रहने वाला है चित्तौड़गढ़। भाई सबको हर जगह पे उंगली करनी है। तो आज का हमारा डेस्टिनेशन है चित्तौड़गढ़, जो कि यहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास है, 490 किलोमीटर के समथिंग कुछ है। तो 500 किलोमीटर गिन के चलो, तो 500 किलोमीटर का आज का हमारा जर्नी रहने वाला है। और सुबह सुबह देखो, जैसे कि हम लोगों ने प्रयागराज से झांसी किया था 5 बजे, ऐसे ही प्लानिंग कुछ आज था, लेकिन भाई साहब आज थोड़ा लेट हो गया हमको, तो अभी 6 बज चुके हैं एग्जैक्टली 6:02। तो अभी ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, फटाफट निकलते हैं, क्योंकि देखो पिछली बार हमारा 420-430 किलोमीटर था, लेकिन इस बार 500 किलोमीटर है और उसमें भी 1 घंटा हम लोग लेट हो गए ऑलरेडी। वाओ, चलो फिर फटाफट निकलते हैं यहाँ से। और देख लो, वाटर सिंह रेगेसी, अगर आप झांसी में आते हो तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्टे का। देखो मतलब पूरा एरिया शांत एरिया है, और मतलब ट्रैफिक वाफिक का कोई झंझट रहेगा नहीं, और आसपास का एरिया भी बहुत खूबसूरत है। मतलब पार्क वार्क बने हुए हैं जहाँ पर आप शाम को टहलने के लिए जा सकते हो। ये देखो, ये वाली गलियों से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं हाईवे के लिए, जो कि यहाँ से बस मेरे ख्याल से 100-150 मीटर ही है। देखो 150 मीटर ही है गूगल मैप के हिसाब से। तो बस अभी हाईवे पे पहुँच जाएंगे, और उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर जो 27 है ना भाई साहब, जिसके थ्रू हम प्रयागराज से झांसी पहुँचे, वही वाला हाईवे हमको लेके चलेगा पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ उदयपुर तक। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, रोड कंडीशन 1 नंबर रहने ही वाली है, क्योंकि ऑलरेडी इसी हाईवे पे मैंने आई थिंक 4 से 5 बार राइड कर चुका हूँ मैं, तो मुझे पता है कि रोड कंडीशन बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है चलो भाई। यार हमारा आज पोपट होते होते बचा। मतलब भाई साहब इतना भयानक पोपट हो जाता कि क्या ही बताए। बस इतने के लिए रह गए, इतने के लिए। मतलब क्या हुआ कि हम लोग आ रहे थे नेशनल हाईवे के ऊपर 27 के ऊपर, जैसे कि मैंने बताया इसी रोड से हम लोग जा रहे थे। तो झांसी से अभी हम लोग आई थिंक 140 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और भाई साहब अभी हम लोग राजस्थान में, मतलब राजस्थान बॉर्डर में हमने एंटर कर लिया है, लेकिन रास्ते पहाड़ी रास्ते थे और बिल्कुल बंजर रास्ते थे। पेट्रोल पंप नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहा था, और हमारा जो फ्यूल था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। लास्ट में पता है क्या हुआ, रिफ्यूल का जो एक पॉइंट होता है ना, वो भी गायब हो गया और ब्लिंक होने लगा कि अभी बस कुछ ही किलोमीटर का खेल है आपका, मतलब कभी भी बाइक बंद हो सकती है। तो भाई साहब हालत टाइट हो गई थी हमारी, बिल्कुल आराम आराम से आ रहे थे और उसमें भी पहाड़ियाँ चढ़ रहे थे, पेट्रोल है नहीं और पहाड़ी चढ़ रहे थे, लेकिन कैसे भी मैनेज किया, धीरे धीरे करके आए, और भगवान का शुक्र है कि भाई साहब पहुँच गए हम लोग, वरना बहुत ही बड़ा पोपट हो जाता। बिल्कुल वीरान और बंजर रास्ते थे, मतलब पहाड़ियाँ थी, जंगल थे, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता तो फिर ख़त्म ही था। और देखो यार, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कल के दिन में, मतलब कल रात को यहाँ पर हमारे घर पे, मतलब अहमदाबाद साइड पे, यहाँ पर राजस्थान में, यूपी में, हर जगह पे बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा ठंडा माहौल है अभी कि क्या ही बताएं। मतलब अभी 8:15 हो रहे हैं, 8:11, लेकिन फिर भी हमें बहुत ही ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। मतलब मैंने राइडिंग जैकेट पहना हुआ है तो भी ठंड लग रही है, और हमारे भाई ने तो कुछ पहना ही नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा माहौल है। तो अभी लेट्स होप कि फटाफट धूप आए तो थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि धूप आएगी तो ठंड कम होती जाएगी, माहौल थोड़ा गर्म होगा तो मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है अभी,
सो पिछले कुछ टाइम से हम कंटिन्यूसली चलाए जा रहे हैं, तो अब जाके ऐसा लग रहा है कि इंसानों की बस्ती यहाँ पर है, गांव है, शहर है। क्योंकि अभी तक तो ऐसे ही हो रहा था कि भाई सब हम लोग पहाड़ों में, जंगलों में चलाए जा रहे थे। और देखो, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो पेट्रोल पम्प वाला कांड हुआ ना अभी जस्ट, उसके पहले एक भी पंप नहीं आ रहा था, और जैसे हमने पेट्रोल फिलअप करवा लिया भाई सब पेट्रोल पंप ही पेट्रोल पंप आ रहे हैं। मतलब हर 2-5 मिनट पे एक पंप आ रहा है, और देखो यार, पेट्रोल के प्राइसिंग में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन अभी भी स्टिल राजस्थान में सबसे हाईएस्ट है पेट्रोल के प्राइस। मतलब अभी तक मैं फिल करवा रहा था तो मेरे ख्याल से 95 के आसपास थे प्राइसिंग, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, 95 के आसपास ही थे। लेकिन राजस्थान में यहाँ पर मैंने जब फुल करवाया ना, तो भाई साहब 110 रुपया प्राइस था पेट्रोल का, 110 रुपया। और देखो यहाँ पर है कोटा 78 किलोमीटर, मतलब इसी रोड पे कोटा आने वाला है। कोटा को बाईपास करते हुए हम लोग जाएंगे चित्तौड़गढ़, तभी हम लोग कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। क्योंकि भाई साहब सुबह से आपको बताया कि ऐसे ही चले जा रहे हैं, हमने कुछ चाय वगैरह पिया नहीं है, तो कुछ खा लेते हैं यार, क्योंकि बिना खाए पिए थोड़ा सर यहाँ से वहाँ घूम रहा है हमारा। ये आया, अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है सामने, बढ़िया प्योर वेज रेस्टोरेंट चंबल फूड, ओके। वो डाकू वाकू नहीं रहेंगे ना इधर। चलो फिर, बढ़िया लग रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट ही अच्छा खासा है, मज़ा आएगा, बैठते हैं थोड़ी देर। चलो भाई, तो देखो यार, चाय नाश्ता करने के लिए रुके, लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या लगी पता है, कि डाइनिंग हॉल है मस्त, और हमारे अलावा कोई नहीं है, हम दो ही है खाली, तो बस जहाँ बैठना है बैठो, आराम से बातें करो। हम सुबह से चला रहे थे, तो मैंने आपको बताया था ना कि बारिश गिरी थी कल रात को, तो भाई साहब क्या ठंड लग रही थी। तो हमारे भाई क्या बोल रहे पता है कि यहाँ पर पहले पंखा बंद करो, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, पहले पंखा बंद करो। बाइक पे मज़ा आ रहा था कि नहीं भाई, वो बताओ पहले। बाइक पे तो मज़ा ही यार, ठंड लग रही थी कि नहीं? ठंड तो बहुत। सो हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, चंबल फूड करके एक रेस्टोरेंट बना हुआ हाईवे पे, वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया था, एसपी पेट्रोल पंप के ठीक बगल में बना हुआ है। खैर इसका कोई मतलब तो है नहीं, अगर कोई शहर वहर होता उसमें रेस्टोरेंट हम बताते, सजेस्ट करते, तो वहाँ आप जा भी सकते थे कि हाँ भाई यहाँ पर जाना है खाने के लिए, हाईवे पे कौन देखता है यार। ठीक है, लेकिन फिर भी बता दिया। देखो चंबल फूड पे हमने अपना जो ब्रेकफास्ट था वो किया, और यहाँ से है सिर्फ और सिर्फ 199 किलोमीटर, 200 किलोमीटर बाकी है अभी हमारा चित्तौड़गढ़, तो बहुत जल्द हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी स्पीड से क्रूज कर रहे हैं हम लोग। चलो फिर निकलते हैं, अभी 100-120 किलोमीटर के बाद फिर से ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा जो डेस्टिनेशन है चित्तौड़गढ़ है वो सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर बाकी है। और भाई साहब बहुत ही मक्खन रोड चल रहे हैं, मतलब नेशनल हाईवे है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। किलोमीटर यहाँ से चित्तौड़गढ़ का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 70 किलोमीटर बचा है गाइस, और आई थिंक अभी हम लोग 1-1.25 घंटे के अंदर अंदर चित्तौड़गढ़ पहुँच जाएंगे। और अभी बज रहे दोपहर के 1:12:45 हो रही है। और देखो वैसे तो सबको पता होगा कि चित्तौड़गढ़ कौन सी जगह है, हमारे महाराणा प्रताप का शहर, महाराणा प्रताप का नगर है चित्तौड़गढ़। लेकिन चित्तौड़गढ़ से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, जहाँ पर मतलब अलाउद्दीन खिलजी और महारावर रतन सिंह जी के बीच में युद्ध होता है रानी पद्मावती को लेकर, तो ये वही किला है चित्तौड़गढ़ का, जो किला है वो वही किला है जहाँ पर महारावल रतन सिंह जी अपनी रानी पद्मावती के साथ रहते थे। और देखो आप में से बहुत सारे लोगों को ये स्टोरी ऑलरेडी पता होगी, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज बताओ, यहाँ पर मतलब चित्तौड़गढ़ में किले के सामने ही वो ग्राउंड आज भी मौजूद है जहाँ पर ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी और महारावल रतन सिंह जी के बीच में युद्ध हुआ था, वो जगह आज भी यहाँ पर मौजूद है।
तो अगर पॉसिबल होता है तो डेफिनेटली आपको दिखाएंगे सारा ग्राउंड और सब दिखाएंगे। क्योंकि देखो यार एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले आई थिंक आज हमारा 34वां दिन है इस ट्रिप का, इस सीरीज़ का, इस राइड का, मतलब 34 दिन से हम लोग अपने घर से बाहर है और कंटिन्यूसली वीडियो शूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अभी यार इतना मतलब हो चुका है, अंदर से थकान हो चुकी है कि अभी मन ही नहीं करता कि कैमरा उठाए वीडियो शूट करें। इसलिए प्रॉबेबली हमारा आज ये लास्ट वीडियो रहने वाला है इस सीरीज़ का। क्योंकि देखो यार मतलब इसके बाद चित्तौड़ से कल हम लोग उदयपुर होते हुए अपने घर जाने वाले हैं, लेकिन मेरा मन नहीं है कि उसको शूट करूँ, क्योंकि यहाँ पर चित्तौड़ में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उदयपुर में बहुत सारे दोस्त हैं, तो उनसे मिलते हुए जाएंगे, बातें करते हुए जाएंगे। तो अभी वीडियो बहुत हो चुका है यार, मतलब अभी और वीडियोज़ नहीं बनाने, डायरेक्ट उनको मिलेंगे और अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी हमने बना लिए हैं। वो सो देखो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ के मोड़ पे। और अगर देखो आपने हमारी पूरी सीरीज़ देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि यहीं पे इसी ढाबे पे हम लोगों ने जाते टाइम अपने दोस्त के साथ चाय पी थी, और इसी ढाबे से हम लोग लेने वाले हैं राइट चित्तौड़गढ़ के लिए। क्या बात है, ये देखो होटल हर्ष पैलेस। तो यहाँ से हमें सीधे जाना है चित्तौड़गढ़ शहर के लिए हाईवे छोड़ के, और कल फिर इसी हाईवे को ज्वाइन करके हम लोग जाएंगे अपने घर के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग चल रहे हैं चित्तौड़गढ़। और देखो सामने आपको विजय स्तंभ दिख रहा होगा, देखो मतलब जो सामने दिख रहा है ना वो पूरा फोर्ट ही है चित्तौड़गढ़ का, और विजय स्तंभ दिख रहा होगा, उसके बाजू में महादेव का मंदिर दिख रहा होगा। देखो तो हम जब हाईवे से आ रहे थे तभी हमको क्लियर दिख रहा था, लेकिन मैं आपको ऐसे मुड़ के दिखा नहीं सकता था, अदरवाइज़ देखो सामने पूरा फोर्ट दिख ही रहा है हमें ऑलरेडी। और देखो चित्तौड़ का ये फोर्ट है ना वो एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, मतलब इतनी अच्छी कंडीशन में है कि मैं समझ लो कि आई थिंक 6 से 7 बार यहाँ पर आ चुका हूँ, और ये पता नहीं कौन सी बार होगा, लेकिन आप उस दौर को जी सकते हो अभी भी। मतलब वहाँ के जो बोल सकते हो इमारतें है, स्ट्रक्चर है, विजय स्तंभ है, जैसे मंदिर है, उसी टाइम के आपको फील हो गए कि आप उस टाइम में घूम रहे हो ऐसा, मतलब बहुत ही तगड़ी तरीके से मेंटेन किया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। और अभी हम लोग अपने होटल की ओर ही जा रहे हैं। देखो हमारे दोस्त को फ़ोन किया तो वो बोल रहा है कि भाई साहब डायरेक्ट घर पे आ जाओ, घर पे रुक जाना ये वो, लेकिन हमको यार घर पे जमेगा नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट होटल ले लेंगे उसके बाद ही उसको फ़ोन करेंगे। अभी जस्ट किया था बीच रास्ते में, लेकिन वो बोला था कि डायरेक्ट घर पे आना, होटल वोटल बुक मत करना। तो इसलिए हम लोग जहाँ पर हर बार रुकते हैं ना, कुंभा रिट्रीट एंड स्पा, बहुत ही अच्छा होटल है चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ शहर के अंदर किले से बस 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है, तो वहीं पे जाएंगे, डायरेक्ट रूम ले लेंगे, उसके बाद हमारे दोस्त को फोन करेंगे, अदरवाइज वो मानेगा नहीं। वो और यहाँ पर ही थोड़ा ही आगे हमारा होटल है कुंभा रिट्रीट एंड स्पा। मतलब ये सब शहर तो ऐसे हो गए ना कि विदाउट मैप मैं चल सकता हूँ, इतनी बार यहाँ पर आ चुका हूँ, सारी गली और सारे रास्ते याद है हमें, इतनी बार यहाँ पर आ चुके हैं चित्तौड़। और आगे से एक चौराहे से एक रास्ता जाएगा सीधा जो डायरेक्टली आपको किले की तरफ पहुंचा देगा, यहाँ पर यहाँ से किला दिख रहा है देखो। चलो फिर अपने होटल पे चलते हैं, सामान रखते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद आपसे शाम को मिलते हैं। तो देखो गाइस जैसे कि हमने आपको बताया था हम लोग चित्तौड़गढ़ पहुँच चुके हैं और हमारे दोस्त हमको मिल चुके हैं। तो पिछले आप बोल सकते हो 2-3 घंटे से हम लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, अभी मॉल में आए एक्चुअली हम लोग। भाई मॉल का नाम क्या था? पद्मिनी मॉल में आए एक्चुअली, जो है कि रानी थी उनके नाम से इस मॉल का नाम रखा गया है। तो देखो हम सोच रहे थे कि फोर्ट पे घूमने जाएंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन देखो बारिश चल रहा है अभी यहाँ पर, वो भी भयंकर वाला, ऐसा भी मुझे कितने भयंकर बादल है और अच्छा खासा बारिश हो रहा है, तो आज तो कहीं घूमने जा नहीं सकते, और कल सुबह हम लोग निकलने वाले अपने घर के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि अभी पॉसिबल होने वाला है किले का, फोर्ट का नहीं लगता, क्योंकि बारिश भयंकर हो रही है, बादल भी बहुत अच्छे खासे ना भाई, तो अभी नहीं लग रहा। हाँ तो बस यार इस वीडियो का हम लोग यही पर एंड कर देते हैं, और देखो इस सीरीज़ का भी यही पर एंड कर देते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम लोग 35 दिन से ट्रैवल कर रहे, शूट कर रहे, ब्लॉग बना रहे, तभी वो बोलते हैं ना वो अंदर से भर गए कि बस बहुत हो गया, अभी शूट नहीं करना है कुछ, आराम से टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ भी हमारे दोस्त है, कल घर जाते टाइम उदयपुर में हमारे दोस्तों से मिलेंगे, अभी कुछ शूट नहीं करना है। तो इस वीडियो का और इस सीरीज़ का हम लोग यही पर एंड कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज का जो मोटो ब्लॉग था उससे पहले, अगर आप पहली बार ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो, तो इससे पहले हमने पूरा यूपी कवर किया, पूरा यूपी 35 दिन में। तो अगर आपको होल सीरीज़ देखनी है तो ऊपर आई बटन में जाकर चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और आपको सारा का सारा यूपी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। भाई साहब बहुत भयंकर लग रहा है बारिश, देखो बादल की आवाज़ आपको आ रही है। तो बस यही था, चलो फिर मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।